इंदौर में पिछले लंबे अरसे से असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों के वाहनों में आग लगाए जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब उज्जैन में भी इसकी शुरुआत हो गई है। उज्जैन में बुधवार रात बेगमबाग कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के 3 वाहनों में बदमाशों ने आग लगा दी। आग तेज होने के कारण 3 वाहन पूरी तरह से खराब हो गए। वाहन मालिकों के अनुसार इन 3 वाहनों की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश प्रारंभ कर दी है। 12:15 और 12:20 तो ये आग लग गई थी। पिताजी रोज बाहर सोते हैं, हमने उनको आज अंदर सुलवा लिया था। मैंने अब अंदर सो जाओ, बीमार हो। अच्छा, जलाने के बाद भी वो गाजर का टुकड़ा मार के गया। 1.5-2 लाख रुपए।